हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल राजा में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ज़्यादा ना बोलने के चार फायदे। पहला, कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहला फायदा तो यह है कि कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कह जाते हैं और कभी कभी तो अपने जानकारी से अधिक कह जाते हैं। इसकी वजह से उनकी बातें गलत साबित हो जाती हैं और फिर बाद में कभी उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब उनकी बातों का वजन ख़त्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बातूनी स्वभाव का इंसान है, इसको आदत है बोलने की और यह कुछ भी बोलता रहता है, जबकि लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और इसी कारण उनको किसी ना किसी से सीखने का मौका ज़रूर मिलता है। तो सुनने वाला बनने से आपको दो बातों का फायदा होता है। पहला तो आपको एक नई जानकारी मिलती है और दूसरा, कम बोलने की वजह से आपकी जानकारी, आपकी वैल्यू बढ़ती है। नंबर दो, कम बोलने से आपको पछतावा नहीं रहता। कम बोलने का दूसरा फायदा है कि आपको बात करने के दौरान या उसके बाद कभी पछतावा नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ज़्यादा खुलकर अपने बारे में कुछ बता जाते हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता है। आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए थी और ये गलती उनसे होती है जो ज़्यादा बातें करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाते हैं और बातों बातों में वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता जाते हैं। एक सफल व्यक्ति की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान्स हैं, वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी सफलता की तरफ बढ़ा रहा है, ये सभी चीज़ों को इंसान को सीक्रेट रखना चाहिए। और अगर आपका स्वभाव कम बोलने वाला है, तभी आप इन चीज़ों को लोगों से छिपा कर रख पाएंगे। एक नंबर तीसरा, कम बोलने से लोग आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, आपने कामों का ढिंढोरा पीटने वाले ज़िंदगी में कभी सफल नहीं रहते और ना ही उनको गंभीरता से लिया जाता है। और यही तीसरा फायदा कम बोलने का, कि आप अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे, मतलब आपकी बातों को महत्व देंगे। कभी कभी ज़्यादा चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, लेकिन जो लोग आपके करीब होंगे या वाकई आपको समझ पा जाएंगे, उनकी गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़रूरत के समय ही बोलते हैं। लोग आपके बातों को गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, हमें तभी किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए या अपनी सलाह देनी चाहिए जब हम उस चीज़ के बारे में ठोस जानकारी हो। हो सकता है कि कम बोलने से लोग ये समझें कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल देने से चुप रहना काफ़ी बेहतर होता है। नंबर चार, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अगला फायदा है कि कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की नींव होती है एक दूसरे की बात को समझना और किसी की बात को समझने के लिए पहले उसके बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं,
तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और साथ ही साथ सुनने से दूसरों की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है, उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है और इस तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।